नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश निहलानी। डॉक्टर यानी मैं प्रोफेसर हूँ, मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, किताबों का डॉक्टर हूँ। ये कविता 55 साल से ऊपर वालों के लिए है और शीर्षक है, तेल कम है फिर भी रोशन दिए हैं। तो सेवा कर रहा है बच्चा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहा है तो ये सोचना भी मत कि हमें उनसे सेवा की भीख लेना है। अरे बड़ी उम्र वालों, बड़ा पत्थर सीने पे रखकर हमें जीना सीख लेना है। हाँ, हमें जीना सीख लेना है। अपनी खुशियां अपने आप टटोलो, ज्यादा देखो ज्यादा सुनो मगर कम बोलो, बिल्कुल कम बोलो। इस कांटों भरे जहान से फूल छांटो और जितनी भी खुशियां मिले उन खुशियों को बांटो, क्योंकि दोस्तों खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती है और दिल के जख्म दिखाने से सुकून का एहसास होता है। मगर मत दिखाना अपने जख्म, क्योंकि मरहम किसी किसी के मगर नमक सबके पास होता है। हाँ, नमक सबके पास होता है। हाँ, मगर खाली मत बैठ, कुछ ना कुछ काम कर। खाली मत बैठ, कुछ ना कुछ काम कर। अरे बच्चों को पढ़ा, कुछ सीख और बीच बीच में आराम कर। मरने मत दे अपने अरमानों को, मरने मत दे अपने अरमानों को। औकात अनुसार हसरत कर। अरे रोज सुबह जल्दी उठ, गार्डन जा, दोस्तों से मिल और नियमित रूप से कसरत कर। क्योंकि धन दौलत गाड़ी बंगला अगर तेरे पास है तो ये मत समझ कि तू अमीर है, क्योंकि तेरा सच्चा लाइफ पार्टनर कुछ है तो वो तेरा अपना शरीर है। हाँ, तेरा अपना शरीर है। इसीलिए इस उम्र में, इस दौर में बहुत अंदर अंदर से भी अंदर एक मामूली क्रैक होता है और अगर लापरवाही बढ़ती तो एक छोटा सा हार्ट अटैक होता है। हाँ, मगर तू उसको भी झेल जाता है, अपनी पारी खेल जाता है, क्योंकि तेरे सामने तेरा कमाया हुआ पैसा, तेरा कमाया हुआ नाम, तेरे पोते तेरे नाते, तेरा बनाया हुआ घोंसला होता है और यही तेरे जीवन जीने का हौसला होता है। हाँ, यही तेरे जीवन जीने का हौसला होता है। इसलिए न किसी के झंझट में पड़, न किसी के किट-किट में। हर शौक पूरा कर मगर हर शौक लिमिट में। लिमिट में खाना, लिमिट में पीना, लिमिट में गुस्सा, यहां तक कि प्यार भी लिमिट में करना है, क्योंकि पता नहीं तेरी सबसे प्यारी चीज कब रूठ जाए। और जोड़ियों पे मत भरोसा करना, पता नहीं ये जोड़ी कब टूट जाए, ये जोड़ी कब टूट जाए। अपनी आंखें और दिमाग खुला रख, भूल जा पुरानी बातों को, पुरानी बातों को भूल जा। अरे गलती से भी उन्हें खरोचना भी नहीं, और मैं बूढ़ा हो गया हूं ऐसा बोलना तो क्या, ऐसा सोचना भी नहीं। क्योंकि क्योंकि तू कोई पुराना खंडर नहीं, तू एक मजबूत इमारत है, एक किला है, एक गढ़ है, एक दुर्ग है। अरे अपने परिवार का सबसे प्यारा बुजुर्ग है, अपने परिवार का सबसे प्यारा बुजुर्ग है। अरे तुझी से घर की आन है, बान है, शान है, वैभव है, और तेरा सबसे बड़ा कुछ हथियार है तो वो तेरा अपना अनुभव है। हाँ, तेरा अपना अनुभव है। क्योंकि कमर अभी झुकी नहीं, ख्वाहिशें अभी थकी नहीं, और सबसे बड़ी बात तेरी सांसें अभी रुकी नहीं। अरे इस विशाल जमीन पर आसमान के नीचे तू तना है, धूप खाई है कितने सालों से, तब जाकर ये फ्रूट ड्राई फ्रूट बना है। इस उम्र में हौसला होता है, हिम्मत ज्यादा होती है, और वैसे भी मार्केट में ड्राई फ्रूट की कीमत ज्यादा होती है। इसलिए मत देख अपने पीते सालों को,
मत देख अपने बीते सालों को, मत देख अपने उड़ते बालों को, अरे देखना है तो अपने अंदर उमड़ते हुए सैलाब को देख। हिम्मत देखनी है तो मोदी को देख, बाइडेन को देख, अरे अमिताभ को देख, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि कुदरत की अदालत में उम्र की अर्जी दायर नहीं होती। आदमी रिटायर हो जाता है मगर उसकी खूबियां रिटायर नहीं होती, उसकी खूबियां रिटायर नहीं होती। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो, आखिरी गेंद तक नाबाद रहो, आखिरी गेंद तक नाबाद रहो। खाओ पियो, अमीरी में मरो मत, अमीरी में जियो, अमीरी में जियो, अमीरी में जियो। धन्यवाद।